अच्छा बेटे, हम लोगों का फर्स्ट ईयर का तकरीबन वन शॉट के अंदर मुकम्मल हो चुका है, और जो हम लोग अपना क्विक रिवीजन वाला पार्ट लेके चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों के पास अब जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके तमाम जो भी इसके अंदर चीजें हैं वो हमने देखनी है, और इसके अलावा इसके अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सब के सब देखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें ना चार्ज की, तो कोई भी जो एटम होता है स्टार्ट में वो एटम आपके पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, स्टार्ट में आपके पास दुनिया भर में जितने भी एटम है बचे वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या मतलब न्यूट्रल होते हैं? न्यूट्रल का बड़ा सिंपल मतलब ये होता है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे इतने ही इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे जनाब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसलिए आपका कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये खुद जो है ना बेसिकली चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपके पास एक एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता स्टेबल फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर क्वार्क का चार्ज होता तो है 1/3 × E या 2/3 × E। गौर से सुनो मेरी डेफिनेशन क्या दी। मैंने कहा कि ई जो है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये आपके पास बेसिक या फंडामेंटल स्टेबल चार्ज है। स्टेबल चार्ज से ये मुराद होती है कि ये अकेली फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपके पास क्या होता है जनाब, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल चार्ज होता है इसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 × −19 कूलम्स। ठीक है, ये आपका एक बेसिक चार्ज है, या कह सकते हो आप इसका ये एक बेसिकली आपका फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या सीन होता है जनाब, अब सीन ये होता है प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली खुद क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्वार्क होते हैं, दो अप क्वार्क होते हैं और इसी तरीके से एक डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, तो ये आपके पास उससे मिलके बन रहा होता है, ये एक अलग चीज है हमारे पास। बहरहाल ठीक है, उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे अभी। फिलहाल हमें सिर्फ ये पता है कि कोई भी जो एटम होता है वो इन शॉर्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। चार्ज होता क्या है, चार्ज से मुराद एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर सकता है। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि यार अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज है और वो चार्ज रेस्ट के ऊपर है, वो चार्ज कैसा है, रेस्ट के ऊपर है, यानी कि रेस्टिंग वाले चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग वाले चार्ज को जनाबे वाला हम नाम देते हैं स्टैटिक चार्ज। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है और चार्ज मूव नहीं कर रहा तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी हमने यहाँ पढ़नी है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज है और वो चार्ज कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक से मुराद क्या है कि चार्ज रुका हुआ है, चार्ज इज नॉट मूविंग। तो उसके सराउंडिंग में कोई फील्ड होगी, वो किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा, इसको यूज करते हुए हम कोई फिनोमिना शो कर रहे होंगे तो वो कैसे होगा, वो सब का सब हम किसमें पढ़ते हैं जनाब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है जिसमें हमारी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, उसको देखेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ से भी पहले का ये कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन से सिंपल ये मुराद होती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा एक फिक्स होता है। मतलब देखो, किसी भी बॉडी में चार्ज आता कब है, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैं कहता हूँ कि ये बॉडी चार्ज है, इस बॉडी में चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगी या ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अल्टीमेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, भाई अगर ये कोई बॉडी है तो स्टार्ट के अंदर इस बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसका मतलब जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि बताने का मकसद ये, किसी बॉडी में चार्ज किस तरह से आता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर अब क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है, देखो एक बॉडी क्या कर सकता है, मिसाल समझना जरा, एक बॉडी क्या कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
या दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह हो सकते हैं ना, मतलब इसी सिमिलरली एक बॉडी या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या दो गेन करेगा या तीन गेन करेगा या एन गेन करेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, गौर से देखना, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो या तो होगा 1.6 पावर माइनस 19 या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 19 या इसी तरह से n टाइम्स ऑफ e होगा। क्या मतलब भाई, देखो अगर एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना चार्ज लेकर आएगा, यानी कि -1.6 पावर माइनस 19 बॉडी का चार्ज हो गया। अगर एक बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना चार्ज साथ लेकर आएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1.6 पावर माइनस 19 चार्ज हो गया बॉडी पे। तो अब हो क्या रहा है, कोई बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ये ई वन टाइम आएगा, दो गेन करती है तो 2e चार्ज हो गया, तीन गेन करती है तो 3 हो गया। इसको हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है दैट इज ne, इसको हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो पैकेटाइज होता है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज पैकेटाइजेशन ऑफ चार्जेस, के हर बॉडी के ऊपर जो कोई भी चार्ज होता है वो चार्ज बेसिकली कैसा होता है, क्वांटाइज होता है या पैकेटाइज होता है। यानी कि आप ये तो कह सकते हो कि एक बॉडी के ऊपर 1.6 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है, कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है, ठीक है। और ये चार्ज कब होता है, जब वो बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लूज करेगी, लूज करेगी तो यही प्लस में हो जाएगा, गेन करेगी तो यही माइनस में हो जाएगा। इसी तरह जब वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ ये चार्ज हो गया दो इलेक्ट्रॉन का। अब जब इसे सॉल्व करोगे ना ये बनेगा 3.2 × 10⁻¹⁹। अब जो मैं कह रहा हूँ ना कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है या पैकेटाइज होता है, इसका मतलब समझिएगा जरा इस एक और एग्जाम्पल से। मैंने अभी जो चीज लिखी यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है 1.6 पावर माइनस 19, दो का चार्ज है 3.2 पावर माइनस 19। अब बॉडी पे या तो 1.6 पावर माइनस 19 हो सकता है या 3.2 हो सकता है या ऑनवर्ड, मतलब बताने का मकसद ये कि इन दोनों के दरमियान में नहीं हो सकता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻¹⁹ तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, या आपसे वो कहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है 2.4 पावर माइनस 19 कूलम तो आप बोलोगे भाई साहब ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 पावर माइनस 19, दो का चार्ज है 3.2 पावर माइनस 19। अब बॉडी ने या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया होगा या दो इलेक्ट्रॉन गेन लूज किए होंगे, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो चार्ज आ रहा है ये 1.5 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि कोई भी बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। ये चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फायदा क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बॉडी के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। यानी कि आपको अगर कहा जाए मिसाल के तौर पे एक बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजेक्शन करी, 5 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है कि यार जनाब 5 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन करी, बताओ बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना आया। आप बोलोगे भैया मसला ही नहीं है, आप बोलोगे क्यू टोटल विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। आप क्या करोगे, एन आपको पता है एन कितना है, 5 है और ये कितना है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। आप यहाँ से आंसर निकालोगे, आंसर आपके पास आएगा जनाब 8 × 10⁻¹⁹ कूलम। यही आपके पास प्लस में होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे और यही आपके पास माइनस के अंदर होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे जनाब, गेन हुए। बस इतनी सी बात थी। द फिनोमिना इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। जैसे ये वाला जो चार्ज अभी मैंने पढ़ाया था, अभी आपने बात करी कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको साबित भी कर सकते हैं, दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट के ऊपर। रीजन देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना 2.4 × 10⁻¹⁹ होल डिवाइडेड बाय 1.6 पावर माइनस 19, आपके पास आंसर आ रहा है 1.5। क्या 1.5 जो आपका आंसर आ रहा है, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा है दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आप यही कहोगे
कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो या तो 1.6 पावर माइनस 19 होगा या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और किसी भी बॉडी पे कम से कम मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो यही है, इसीलिए इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी बॉडी या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मतलब कम से कम क्या कर सकती है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है चार्ज एक्वायर करने के लिए। तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर अगर पूछा जाए, या फंडामेंटल पॉसिबल चार्ज, तो फंडामेंटल पॉसिबल चार्ज कितना है जना, वो फंडामेंटल पॉसिबल चार्ज है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। दिस वॉज द फिनोमिना ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके अंदर जो हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ कूलम्स इक्वेशन या कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ बेसिकली आपको क्या बात डिफाइन करता है, फिर मैं इसके सारे एमसीक्यू भी साथ साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। ये कहता है कि यार अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मान लो Q1 है, एक चार्ज मान लो Q2 है, एंड दीज टू चार्जेस आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई डिस्टेंस है आर, तो अब होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। यानी कि मान लो इसको हम कुछ इस तरह शो कर देते हैं, ये जो आपका एक चार्ज है यानी कि Q1, लेट से Q1 जो है वो कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 के ऊपर, और इसी तरह से ये जो आपका Q2 चार्ज है वो कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेट से किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। अब इसको मैं कहता हूँ F12, इसे मैं कहता हूँ F21। F12 बोले तो फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज वन ऑन टू, F21 बोले तो फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज टू ऑन वन। ठीक है, अब हमें एक बेसिक सी बात पता होती है, और वो ये कि आपके पास ये जो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान में जो फोर्स होती है, ये फोर्स याद रखिएगा अट्रैक्टिव नेचर की भी हो सकती है और रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास हमेशा याद रखिएगा एक और बेसिक सा फिनोमिना होता है मैग्नेट्स के दरमियान में। देखो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मतलब जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि जो रिपल्जन है ना, रिपल्जन रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि अगर आपने ये चेक करना हो कि आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रखता है या नहीं रखता, तो आपने ये देखना है कि वो आपके, एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लगा के देख लो, एक बार नेगेटिव के साथ, भाई अगर वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रखता है तो किसी एक को रिपेल कर रहा होगा, किसी एक को अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ, आप इसको जो है ना वो अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करोगे, वो अट्रैक्शन मैग्नेट के अंदर भी शो करती है। तो रिपल्जन इज बेसिकली द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि रिपल्जन सिर्फ आपके ये चार्जेस ही कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट के अंदर जब रिपल्जन होती है ना तो वो पोल्स की फॉर्म में होती है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट होता है, जो आपकी कील होती है, कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई चाबी का टुकड़ा है, वो हमेशा अट्रैक्ट ही हो रहा होगा। ठीक है, चल आगे देखो। तो कूलम की जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी, अगर आपके पास, याद रखें, कभी भी अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर आपके पास लाइक चार्ज है तो अल्टीमेटली वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, जनाबे वाला वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब हमारे पास कूलम्स की लॉ की जो इक्वेशन है, दैट इज गिवन बाय एफ इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ये कौन सी वाली फोर्स है, जो चार्ज वन टू पे लगा रहा है या चार्ज टू वन पे लगा रहा है? याद रखिएगा ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर होती हैं। कैसे पता चला? जनाब न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 जो फोर्स एंड मोशन में डिस्कस हुआ था वो क्या था, हर एक्शन का रिएक्शन होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन कैसा होता है, ओपोजिट। तो जो फोर्स होती है ना अप्लाइड बाय वन ऑन टू, इसको हम इस तरह शो करते हैं F21, मतलब जो फोर्स है वन टू पे अप्लाई कर रहा है वही फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है जो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, टू वन पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का कैसा होगा, मैग्नीट्यूड इन दोनों का होगा सेम, यही चीज लिखी हुई है, बस माइनस साइन ये शो कर रहा है जनाब के डायरेक्शन इनकी कैसी होगी, डायरेक्शन इनकी हो जाएगी ओपोजिट। यही वजह है कि आपके पास जो कूलम की फोर्स होती है, कूलम की फोर्स को हम म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। कूलम की फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, कूलम की फोर्स हमारे पास कह रही होती है जनाबे वाला म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स वो फोर्स होती है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन कैसा होता है, ओपोजिट होता है।
यानी कि चार्ज वन चार्ज टू पे और चार्ज टू चार्ज वन पे एक बराबर फोर्स लगाएगा। इसका एक सवाल भी आता है अक्सर कि अगर आपके पास एक चार्ज है फोर क्यू, एक चार्ज है क्यू, और आपको कहते हैं जो आपका फोर क्यू वाला चार्ज है ये मिसाल के तौर पे क्यू वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, या इसको ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि जो आपका फोर क्यू वाला चार्ज है वो स्मॉल चार्ज क्यू के ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है। अब बताइए कि जो आपका क्यू वाला चार्ज है वो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो भी जनाब एफ ही अप्लाई करेगा। ठीक है, सुनने में ये बात अजीब सी लगती है कि छोटा चार्ज बड़े चार्ज में सेम फोर्स लगा रहा है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी चीज को खिड़की से बाहर फेंकते हो तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब वो जो न्यूटन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली फोर्स होती है ना, वही बेसिकली वेट फॉर्म करती है, यानी कि अर्थ उस बॉडी पे जो फोर्स लगाता है बॉडी अर्थ पे एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाती है। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है, बॉडी अर्थ को अपने पास नहीं खींच सकता, हालांकि फोर्स दोनों बराबर लगा रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का इनर्शिया ज्यादा है। तो याद रखना फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और होता है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बात कही कि कूलम्ब फोर्स से हमें ये बात पता चलती है कि फोर्स एक जितनी लग रही है, ये मैंने कहीं नहीं कहा कि इफेक्ट भी एक जैसा आएगा। हो सकता है इफेक्ट एक जैसा आए, हो सकता है इफेक्ट एक जैसा ना आए। जैसे जो स्मॉल क्यू है ये कैपिटल चार्ज फोर क्यू के ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है जितना फोर क्यू स्मॉल क्यू पे लगा रहा है, तो स्मॉल क्यू पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा क्योंकि वो छोटा चार्ज है, बड़े वाले के ऊपर इम्पैक्ट शायद आएगा ही नहीं इतना। ठीक है, तो ये कूलम की फोर्स होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब कूलम की फोर्स कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आप देखोगे एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप देखोगे यार एफ डिपेंड कर रहा है के के ऊपर, अभी बात करते हैं के के, क्यू वन इंटू क्यू टू पे और किस पे डिपेंड कर रहा है आर। सबसे पहली चीज तो आपको ये नजर आ गई कि एफ और आर स्क्वायर की रिलेशन कैसी है, इनवर्स है। इसी वजह से इसको हम यहाँ पे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जो आपका कूलम का लॉ है ये जस्ट लाइक न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह क्या ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के ओबे करने के सवाल अक्सर आपसे पूछता है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को टू टाइम्स बढ़ा दूं फोर्स को क्या होगा, फोर्स टू का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। और अगर मैं डिस्टेंस को दो गुना बढ़ाऊंगा तो फोर्स टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया, एफ अपॉन फोर हो जाएगा, वो सिंपल, ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस को तीन गुना कम कर दूंगा तो फोर्स थ्री का स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी, यानी कि वो नाइन एफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसी तरह आपको नजर आ रहा है कि जो F है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि जब आप चार्जेस को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली उनके दरमियान में जो म्यूचुअल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज का ख्याल करना, अगर आप क्यू वन बढ़ाते हो और क्यू टू नहीं बढ़ाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्यू वन फोर्स क्यू टू पे लगा रहा है सिर्फ वो बढ़ेगी, क्यू टू जो क्यू वन पे लगा रहा है वो नहीं बढ़ेगी। वजह भाई, आप दोनों के दरमियान में जब भी फोर्स कैलकुलेट करोगे दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल्स के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चाहे आप फोर्स Q1 की Q2 पे निकालो या Q2 की फोर्स Q1 पे निकालो, अल्टीमेटली आपका जो आंसर होगा वो हमेशा कैसा आ रहा होगा, सेम ही तो आ रहा होगा, क्योंकि जो Q1 into Q2 है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, भाई प्रोडक्ट है ना। और हमने बचपन में ये बात पढ़ा है कि आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन होती है नंबर्स की वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, तो Q1 into Q2 हो या Q2 into Q1 हो आंसर विल रिमेन सेम, हमेशा ऐसे ही होता है हमारे पास। ठीक है, इसलिए इसका ख्याल करना कि अगर मैं Q1 को बढ़ाता हूँ और Q2 को नहीं बढ़ाता या Q2 को बढ़ाता हूँ Q1 को नहीं बढ़ाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल फोर्स बढ़ जाएगी। ये नहीं होगा कि जिसको मैंने बढ़ाया सिर्फ उसी की फोर्स बढ़ेगी, ये सब पॉइंट्स नोट करते जाना। अब सवाल आता है कि सर के क्या चीज है। भाई साहब जो के होता है ना, के को हम लोग कहते हैं, के हमारे पास होता है कूलम्स कॉन्स्टेंट। व्हाट इज के? के इज बेसिकली कूलम्स कॉन्स्टेंट। क्या वैल्यू होती है कूलम्स कांस्टेंट की? 9 इंटू 10 की पावर 9, और यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है जनाब वाले। ठीक है, कैसे निकाली? आर स्क्वायर को वहां फेंका, क्यू वन क्यू टू को नीचे ले आया, ये हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फोर्स के पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के जो है ना, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। देखो जब हम कहते हैं ना कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट की भी टाइप्स होती है। कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद आगे किसी चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं।
अगर एक कांस्टेंट खुद आगे किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर उस फॉर्मूले में अगर किसी आ रहा है, तो वो भी बेसिकली मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मिसाल के तौर पे जैसे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ते हो, dx अपॉन dt, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वाली इक्वेशन शायद पढ़ी होगी ना, इसको रेट इक्वेशन कहते हैं, इस तरह का कुछ पढ़ा होगा। ये जो इसके अंदर आपके पास k आ रहा होता है, जिसको आप रेट कॉन्स्टेंट कहते हो, ये जो रेट कॉन्स्टेंट होता है, ये रेट कॉन्स्टेंट खुद टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर रेट कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो के यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। तो फिर सर के किस पे डिपेंड करते हैं? के दो प्राइमरी चीजों पे डिपेंड करता है। ये भी एक पुराना एमसीक्यू है। एक मीडियम चार्जेस के दरमियान में क्या था, उस पर डिपेंड करता है, व्हाट वाज द मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस। दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। क्या मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटे? जैसे सीजीएस एक सिस्टम होता है, एमकेएस एक सिस्टम होता है, एफपीएस एक सिस्टम होता है, तो हर सिस्टम में वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अभी आपने ये 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पढ़ा है, ये बेसिकली आपने वैल्यू किसमें पढ़ी? ये एमकेएस सिस्टम में, या जिसको हम लोग मोर कॉमनली एसआई सिस्टम कहते हैं। अगर यही वैल्यू आपको सीजीएस में पढ़ाई जाएगी, तो सीजीएस में ये वैल्यू बनती है 1। न्यूटन की जगह डाइन आता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आता है, और सी की जगह पे स्टेट कूलम आता है या फ्रेंकलेन आता है। ठीक है, ये जब आपने कभी अपना केमिस्ट्री के अंदर बोहर की थ्योरी को सॉल्व किया होगा ना, तो उसमें वो डायरेक्टली के की वैल्यू 1 ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में मूल तौर पर हम सीजीएस सिस्टम लेके चलते हैं। तो भाई आप खुद देखो, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जब आप सीजीएस में यही काम करोगे, तो सीजीएस के अंदर आपके पास क्या होगा, के का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उन्हीं सेम चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी वो क्या आ रही होगी, चेंज आ रही होगी। ठीक है, अब ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, इसको समझो जरा। देखो मीडियम पे ऐसे डिपेंड करता है, आपने कभी ना कभी यकीन इश्तिहार देखा होगा। इश्तिहार में आपने ये चीज नोट करी होगी कि तमाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एक जितने अच्छे कंडक्टिंग नहीं होते, कोई ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है और कोई बुरा कंडक्टर होता है। अब अक्सर वो लोग रोना गाना करते हैं कि यार आप हमारा फैन यूज करें, क्योंकि इसमें हमने कॉपर वाइंडिंग इस्तेमाल करी है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, उसकी जो नेचुरल रेजिस्टेंस है वो कम है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो मीडियम होता है, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है ना। व्हाट इज परमिटिविटी? एक नया कॉन्सेप्ट है ये। देखो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी बेसिकली होती है परमिशन किस चीज की, टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू, टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू। कोई मीडियम ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है, तो अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू। कोई मीडियम ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है, कोई मीडियम कम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है। मतलब समझो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम है, यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे कोई और मीडियम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास ऐसे लाइन आ रही है एक, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आ रही है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आ रही है। अब ये एक यहाँ से चला गया, ये एक यहाँ से चला गया, और ये एक यहां से चला गया। ये मान लो ये कोई मीडियम था, मिसाल के तौर पे मेरे पास एयर, और ये मान लो एयर के अलावा कोई भी एक मीडियम है जिसको मैंने एक्स वाई जेड का नाम दे दिया। ठीक है, अब सीन क्या हुआ, इसके अंदर भी ऐसे लाइंस आई मेरे पास, इसने क्या करा, किसी लाइन को भी डिस्पर्स नहीं किया, तमाम लाइंस को अलाउ कर दिया, अपने अंदर से गुजरने दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए एयर ने कितने को अलाउ किया, एयर ने सिर्फ एक लाइन को अलाउ किया, और इसने कितने को किया, इसने को 3 को अलाउ कर दिया। ये जो चीज है ना कि कौन सा मीडियम कितना इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है अपने अंदर से गुजरने देने को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ मीडियम। जो एयर की परमिटिविटी है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यूनिट 8.85 पावर -12, और इसकी जो यूनिट है वो के मुकाबले में उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आपका कूलम्स कांस्टेंट है ना, कूलम्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन नॉट वहां जाएगा, तो के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है बेसिकली, अगर पूछा जाए आपसे, तो एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, आपके पास एयर की या किसी फ्री स्पेस की या किसी वैक्यूम की परमिटिविटी है। दिस इज बेसिकली द परमिशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ गिवन स्पेस या वैक्यूम या एयर, ठीक है। वैसे एयर और स्पेस की ना अलग अलग होती है, लेकिन चूंकि इतनी करीब वैल्यूज होती है कि हम वन ही लेते हैं, ठीक है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर के अंदर ना एयर के अलावा जो भी कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम होगा अदर देन एयर, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, वो बेसिकली आपके पास कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या है भाई, एयर को हटा के दुनिया में कोई भी जो इंसुलेटिंग मीडियम है ना वो आपका डाई इलेक्ट्रिक है। वो कोई पैराफिन वैक्स हो सकता है, वो कोई वुड हो सकता है, वो कोई प्लास्टिक हो सकता है, वो कोई माइका हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एनी इंसुलेटिंग मटेरियल अदर देन एयर वो क्या कहला रहा है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन डी से। एप्सिलॉन डी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अब जरा यहाँ पे समझना, अब इसमें किससे क्या मुराद है, देखो एप्सिलॉन डी जो होता है ना, एप्सिलॉन डी तो आपके पास वही है परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अगर मैं आपसे पूछूं ना एप्सिलॉन डी की यूनिट क्या है, ये सारे एमसीक्यूज आपको पास चैप्टर में मिलेंगे। एप्सिलॉन डी की वही यूनिट होती है जो आपकी एप्सिलॉन नॉट की होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की भी वही है। सर एप्सिलॉन आर क्या बला है फिर, एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं होती, एक नंबर होता है कॉन्स्टेंट नंबर। सर तो वो कॉन्स्टेंट नंबर ही बता दें, टू होता है, थ्री होता है, ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, यानी कि वो मटेरियल बेस्ड कॉन्स्टेंट है। सर फिर भी वो बताता क्या है, चलिए ये तो बता दें। देखो एयर एक लाइन को अलाउ कर रहा था, एयर कितनी लाइन अलाउ कर रहे हैं, एक। क्या मैं कह सकता हूँ कि एयर के मुकाबले में ये जो एक्स वाई जेड मीडियम है ये थ्री टाइम्स ज्यादा लाइन्स अलाउ कर रहे हैं, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये जो थ्री टाइम्स है ना ये एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए आप बोलोगे एप्सिलॉन आर इज बेसिकली अ नंबर, अ कांस्टेंट नंबर। ये क्या है, ये आपके पास एक अदद है कांस्टेंट नंबर। ये सिंपल ये बताता है कि एयर के मुकाबले में, एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से, जाहिर है डाइलेक्ट्रिक की बात चल रही है, एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से कितनी ज्यादा लाइंस फ्लो करेंगी। तो एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से कितनी ज्यादा लाइंस फ्लो करेंगी, ये बेसिकली कौन बताता है आपको, एप्सिलॉन आर। यानी कि अब अगर मैं जो मटेरियल एक्स वाई जेड है इसका एप्सिलॉन आर देखूंगा तो इसका एप्सिलॉन आर कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। एप्सिलॉन आर थ्री से भी ये बता रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड मटेरियल है इट हैज द कैपेबिलिटी टू अलाउ थ्री टाइम्स द लाइन्स ऑफ फोर्स एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है। अब एयर या जो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, इसके लिए याद रखिएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होती है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए जो एप्सिलॉन आर है यानी कि रिलेटिव ये जो नंबर होगा ना इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन वन। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या है, तो भाई साहब ये सिंपल हमारे पास एक नंबर है हैविंग नो यूनिट, ऐसे भी देख सकते हो उसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन डी एंड एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट कहां से आएगी, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। अब इससे हमारे ना कुछ चीजें पता चलती हैं, वो चीजें देखते चलते हैं। देखो सबसे पहली चीज एप्सिलॉन डी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अब आपके पास एक बेसिक सी चीज है, और वो बेसिक सी चीज क्या है, देखो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर में क्या आता है, 15 आता है। 5 कन्वर्ट हो गया 15 में, वजह यह कि मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर 1 से कैसा है, ग्रेटर है। यानी कि अगर आप किसी चीज को a को मल्टीप्लाई करते हो किसी ऐसे नंबर से जो कि 1 से ग्रेटर है और वो b में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब b इज ग्रेटर देन a। ये मतलब है भाई 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई यही चीज अब यहाँ देखो सर, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, मैंने अभी बताया एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और आंसर आ रहा है एप्सिलॉन डी, तो इससे ये पता चलता है कि एप्सिलॉन डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे मुराद क्या है, देखो एप्सिलॉन डी और एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन डी आपके पास था परमिटिविटी इन द केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्या चीज है ये,
permittivity in the case of dielectric. This is greater than permittivity in the case of air या free space. यानी कि अब इससे समझो क्या चीज है. इससे पता ये चला कि आपके पास एयर के मुकाबले में डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं. यानी कि एयर हमारे पास सबसे कम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही होंगी. यानी कि एयर से हमारे पास सबसे कम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे. यही तो लिखा हुआ है, परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ गिवन मीडियम इज मोर इन डाइलेक्ट्रिक एज कम्पेयर टू एयर. डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी और एयर से कम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही होंगी. यानी कि इसको देखते हुए आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो क्या, कि एयर इज द बेस्ट इंसुलेटर अवेलेबल. एयर क्या है, एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर है जो कि अवेलेबल है. ठीक है, बाकी सारे एयर के मुकाबले में बुरे इंसुलेटर है क्योंकि उनके अंदर से परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स उतनी क्या है, बढ़ती जाती है, ज्यादा होती जाती है. तो एयर इज द बेस्ट अवेलेबल इंसुलेटर. अब इसी से हमारे पास एक और चीज बनती है क्या. अब हमने पढ़ा था F equals K Q1 Q2 divided by R square. अच्छा, अगर सवाल वाला ना बताए ना कि कौन से मीडियम का क्वेश्चन है, अदर सवाल अगर मेंशन नहीं होगा हमारे पास उसके अंदर शीट के अंदर, तो अल्टीमेटली फिर उसका तरीकाकार क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा आपका एयर इंसुलेटर होता है. By default हमेशा एयर इंसुलेटर है. अदरवाइज ऑलवेज देयर विल बी अ मेंशन कि आपके पास एयर इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है. इसी तरीके से हमारे पास के की वैल्यू थी, हमारे पास के की वैल्यू बेसिकली क्या थी, के की वैल्यू थी 1/4πε0. ठीक है, ये एयर के अंदर है. अब इसी को अगर हम डाइलेक्ट्रिक में लिखेंगे, this will be 1/4πε0 × εr, because there epsilon d aayega wahan pe aur epsilon d ki jagah pe kya aa jayega, εr/0 × εr. ab agar main ye blue wali highlighted cheez ko dekhunga to ye mujhe isse milti julti nazar aa rahi hai, yani ki aapka kd ban jayega ka divided by epsilon r. ab isse kya samajh mein aata hai. अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं 2 से, आंसर आता है 2.5, यानी कि वैल्यू कम हो गई. वजह, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो पहले के मुकाबले में कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. यहां से हमें यही पता चल रही है क्या, केडी बराबर है किसके, के ए अपॉन एप्सिलॉन आर के. और एप्सिलॉन आर आपके पास जो होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, व्हिच मींस के डी विल बी लेस देन के ए. अब ये चीज क्या बता रही है आपको, के से क्या मुराद हो, के से मुराद होती है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट. तो ये बता रहा है कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कम है एज कंपेयर टू कूलम्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ एयर. यानी कि एयर के अंदर कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी और जो भी डाइलेक्ट्रिक आएगा उसमें क्या होगी, कम होगी. यानी कि इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ये किसमें होती है, ये एयर में होती है. अक्सर इसका सवाल इस तरह से आता है हमारे पास कि आपको जो है ना वो बताना होता है कि फलाने मीडियम में, किसी भी गिवन मीडियम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट. तो अगर कहता है मिसाल के तौर पर भाई मालूम करके दो किसी मीडियम में कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, अगर उस डाइलेक्ट्रिक का जो एप्सिलॉन आर है या रिलेटिव परमिटिविटी वो कितनी है, 4.5. तो आप बोलोगे मसला ही नहीं, कूलम कांस्टेंट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक will be equal to Coulomb's constant in the case of air divided by epsilon r. ये पढ़ा था अभी ऊपर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ. वैल्यूज प्लेस कर देंगे, ये क्या है 9×10⁹, डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आएगा 4.5. सिंप्लीफाई करेंगे
तो के प्राइम विल कम आउट टू बी 2 इनटू 10 टू द पावर 9 और यूनिट विल रिमेन सेम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास अक्सर जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा होता है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे जो हमारे पास ये था फॉर्मूला, जब एयर के गैस में फॉर्मूला लिखेंगे दिस विल बी के ए इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपके पास जो दरमियान का मीडियम है वो एयर ही है। अगर यही फॉर्मूला मैं डायलैक्ट्रिक में लिखूंगा तो ये बन जाएगा के डी इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा के ए अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के डी को बस ओपन कर दिया जो भी ऊपर पड़ा था उससे, ये देखो। अब ये जो चीज है अगर आप इसको नोट करोगे तो ये आपको इससे मिलती जुलती नजर आ रही होगी, यानी कि अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूं दिस विल बी एफ डी विल बी इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये हो गया, यहां पे भी आपको ये चीज नजर आ रही है कि एप्सिलॉन आर डिवीजन में आ रहा है, यानी कि एफ डी विल बी लेस देन एफ ए, यानी कि फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी लेस देन फोर्स इन द केस ऑफ एयर। ये एक और एमसीक्यू आपका, यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो एयर से हटके कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो डाइलेक्ट्रिक के आने से परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास जो के का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जो फोर्स का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है यहां तक सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो अगला इसके अंदर कहानी है दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमारे पास क्या सूरत हाल होती है देखो, या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है देखो। अभी तक हमें ये बात पता है कि हमारे पास अभी तक हमें ये चीज पता है या हमें ये चीज अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो बेसिकली फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो फोर्स होती है वो आउटवर्ड होती है, और हमारे पास जो भी कोई नेगेटिव चार्ज है इसकी फोर्स क्या होती है, इनवर्ड होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, कोई भी ऐसा चार्ज जिसकी अपनी खुद की वैल्यू बहुत छोटी होती है और इसका काम इलेक्ट्रिकल फील्ड को टेस्ट करना होता है कि आया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है या नहीं है। ऐसे चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह रहे होते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है हमारे पास, टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है ना ये आपका एक इनफिनिटेसिमल चार्ज होता है। इनफिनिटेसिमल चार्ज से मुराद होती है बहुत छोटा चार्ज, मतलब एक्सट्रीमली छोटा चार्ज, ये होता है आपका इनफिनिटेसिमल चार्ज। इसको इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज भी कहते हैं, एक बहुत छोटा चार्ज आपका जो होता है, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा आपके पास कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको देखते हुए हमने ये बनाया कि आपके पास, अच्छा ये जो कैपिटल क्यू होता है ना, कैपिटल क्यू हमेशा याद रखिए किसके लिए बनता है, सोर्स के लिए बनता है। यानी कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी वो आउटपुट होंगी, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ होंगी जनाब, इनवर्ड होंगी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है समझिएगा, देखो सपोज कर लो ये मेरे पास एक अदर सोर्स चार्ज है और ये उस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक एरिया है। देखो जैसे कोई मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन होता है, एक हिस्सा होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो अपने मैग्नेट के सराउंडिंग में एक क्या होता है, एक कोई एरिया होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है या मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस करता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सोर्स चार्ज है इसके सराउंडिंग में आपके पास, इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में आपके पास क्या है, इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में आपके पास एक एरिया है। इस एरिया में क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद होती है वो रीजन या वो हिस्सा या वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो पहले चार्ज की वजह से अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस करे।
भाई हमें पता है ना, दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो एरिया वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर ताकत लगती महसूस करेगा। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो मेरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इस तरह से शो होता है, जो मेरा टेस्ट चार्ज है जब पढ़ा भी था हमने, अगर मैं अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे रखता हूँ या पॉइंट बी पे रखता हूँ, तो क्या दोनों जगह पे एक जितनी फोर्स लगेगी, अलग अलग लगेगी? तो ऑब्वियस आंसर अलग अलग लगेगी। ज्यादा कहाँ लगेगी, ए पे ज्यादा होगी, बी पे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ए पॉइंट नजदीक है और बी पॉइंट क्या है, दूर है। ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा लग रही है कम लग रही है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वही आपका टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल फोर्स की तरह, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो आपकी फोर्स का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्जेस के लिए जो आपकी फोर्स का डायरेक्शन है या जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, आउटवर्ड हो जाएंगे। नेगेटिव के लिए जो आपके फोर्स का डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। और ये हमने किस तरह से बनाया है, ये हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे इसका यूनिट भी बता दीजिए हाथ के हाथ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यानी कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी आपका जो गिवन चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जाहिर है अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे ज्यादा होगी और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पे फोर्स कम है, ए पॉइंट पे फोर्स ज्यादा है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स जो कि यूनिट चार्ज ने एक्सपीरियंस करी किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर। और जो आपका पॉइंट फील्ड से बाहर लाई कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये हमारे पास था E equals F upon Q का फॉर्मूला। अब इसका आपसे अक्सर सवाल पूछेगा। अब इस सवाल के लिए हमारे पास ना एक चीज और है, एक फॉर्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान में कुछ डिस्टेंस है, दैट इज R। अब अगर मैं बात करूं, ये जो स्मॉल चार्ज Q है, ये अपने ऊपर इस कैपिटल चार्ज Q, या इसको आप यूं कह सकते हो ये सोर्स चार्ज है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर इस सोर्स चार्ज की वजह से एक ताकत लगती हुई महसूस कर रहा होगा, जो कि इस तरह से होगी। क्यों, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो सोर्स चार्ज आपका जो टेस्ट चार्ज है उसे बेसिकली क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, दूर भगा रहा होगा। कहने को ये जो छोटा वाला चार्ज है ना स्मॉल क्यू, ये भी कैपिटल चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और उतनी ही लगा रहा होगा जितनी कैपिटल क्यू वाला लगा रहा है। लेकिन सीन क्या होगा कि जो इम्पैक्ट होगा वो छोटे चार्ज के ऊपर ज्यादा होगा, बड़े चार्ज पे तो इंपैक्ट होगा ही नहीं, भले फोर्स बराबर लग रही है। मैं वही बताया ना, फोर्स का एक जैसा लगना और इफेक्ट का एक जैसा आना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बात है। तो अगर मैं इनके दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करूं, दैट विल बी एफ इक्वल्स के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है जहां ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दिस विल बी एफ अपॉन क्यू, यानी कि वन अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई एफ। एफ का फॉर्मूला क्या था, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो कुछ मर रहा है उसे मार दो, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की एक इक्वेशन तो आपने पहले पढ़ी थी एफ अपॉन क्यू, एक और आपके पास निकल के आ गई के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो के पे डिपेंड करती है, और के खुद किस किस पे डिपेंड करता है, के खुद डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, जो भी बात की थी थोड़ी देर पहले। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये देखो के पे डिपेंड करती है और
कैपिटल क्यू पे डिपेंड करती है, स्मॉल क्यू पे नहीं करती डिपेंड, यानी कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है सर। लेकिन इससे पहले वाला फॉर्मूला देखें, जो इससे पहले वाला फॉर्मूला है E equals F upon Q, इसमें तो नजर आ रहा है Q पे भी डिपेंड करती है। हाँ तो बच्चे जब आप F की वैल्यू को ओपन करोगे, F की वैल्यू ये खुलेगी, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और किस पे करती है, R पे डिपेंड करती है। R क्या है, डिस्टेंस है, किस किस के दरमियान में, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां से लेके जिस पॉइंट पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से लेके जहां पे सोर्स चार्ज रखा पाएंगे दरमियान का डिस्टेंस, आर पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया, आर क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, इस पर डिपेंड करती है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ एयर के लिए, तो एयर के लिए यही चीज बन जाएगी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर चार्जेस के दरमियान में, यानी कि ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, तो ये बन जाएगा के डी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा के ए अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये के ए अपॉन एप्सिलॉन आर भी ड्राइव किया था हमने पीछे। अब अगर आप इसको देखोगे, ये चीज आपको इधर मिलती जुलती नजर आ रही होगी। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि आपके पास जो ईडी है, जो आपका ईडी है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये बराबर है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। फॉर्मूला बन गया एक और आपके पास। अब आपको ये चीज पता है कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, जब वन से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर चूंकि ग्रेटर देन वन होता है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर। क्या मतलब इसका जुमले का मतलब समझो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और यहाँ पे एक मेरे पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी निकाली वो आ रही है 10 न्यूटन पर कूलम मिसाल के तौर पे। अब आपने दरमियान में एयर के बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो आपके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी आएगी वो 10 नहीं आएगी, 10 से क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी, ये मतलब है इस जुमले का। तो वही बात है जो मैं रिवाइज करूंगा कि एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक के आने से फोर्स कम हो गई, कूलम का कांस्टेंट कम हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई, जबकि आपके पास जो वो था एप्सिलॉन या परमिटिविटी वो बेसिकली क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि आपके पास, अच्छा ये हो गया। अब इसी के अंदर हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, जो अभी आप इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे थे ना, तो फ्लक्स वहां से डिफाइन होता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस। देखो आपके पास किसी भी मीडियम में से जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा ए। आपके पास किसी भी जगह में से कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, ये बेसिकली कौन डिफाइन करता है, आपका फ्लक्स डिफाइन करता है, या ये बेसिकली क्या कौन डिफाइन कर रहा है, फ्लक्स डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की ना अभी, इस तरह की जो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये किसी भी मीडियम को जो क्रॉस करती हुई जा रही होती है वो बेसिकली डिफाइन कौन करता है, फ्लक्स डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा phi will be equal to E delta A cos of theta, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि जो आपका phi है ये E पे डिपेंड कर रहा है, delta A वेक्टर एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और theta पे डिपेंड कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे जो theta होता है, this theta is basically the angle between electrical field intensity and vector area।
अब ये वेक्टर एरिया क्या बल है ये भी समझ लो जरा। देखो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है एक्स वाई जेड प्लेन है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनाया जाता है। अब वेक्टर एरिया होता क्या मैंने समझा, देखो अगर तो मुझे इसका एरिया निकालना है, किसी भी प्लेन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे मेरा बेटा हमारे पास आता है स्केलर एरिया। अब इसी स्केलर एरिया के साथ अगर आप डायरेक्शन जोड़ दोगे ना तो आपको मिलेगा वेक्टर एरिया, जिसको मैं ऐसे शो कर रहा था। हर प्लेन का जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली वेक्टर एरिया होता है, क्योंकि डायरेक्शन उसकी साथ में एसोसिएट लाजमी हुई भी होती है। बात समझ आ रही है, डायरेक्शन उसकी लाजमी साथ में एसोसिएट होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन के बगैर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लेन के साथ जो डायरेक्शन होती है ना वो उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है, इसको एन कैप या यू कैप से शो करते हैं। ये एन कैप बेसिकली क्या कहलाता है, ये एन कैप कहलाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या कहलाता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द, तो ये एन कैप हमारे पास कुछ नहीं होता, बस एक यूनिट वेक्टर होता है, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास यही बेसिकली चीज जो है ना वो डिफाइन करती है कि, या बहुत सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना प्लेन के, कि प्लेन का एंगल निकाल दो, प्लेन की इंटरसेक्शन निकाल दो, वो इंशाल्लाह आप लोग इंजीनियरिंग में भी देखते हो, तो वो बेसिकली हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया, ये एन कैप होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाई मैक्सिमम कब होता है, तो देखो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, यहीं से देख लो पता चल जाएगा भाई, जब कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो फाई भी मैक्सिमम होगा, इसी तरह जब कॉस थीटा आपके पास जीरो होगा फाई भी जीरो होगा, जब कॉस थीटा आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो फाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पॉजिटिव कॉस थीटा कहाँ होता है, थीटा जीरो डिग्री पे होता है। ये कब होता है, ये जब होता है थीटा 90 डिग्री पे, ठीक है। ये कब होता है, ये आपके पास होता है थीटा 180 डिग्री पे। यानी कि अगर आपके पास केस इस तरह का है कि ये वाले केस से क्या मुराद, थीटा जीरो डिग्री से क्या मुराद है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में कैसे है, पैरेलल है, इस केस के अंदर आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा। इस केस में जो फ्लक्स पास होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर एरिया के, इस केस में आपके पास जीरो फ्लक्स पास होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंटी पैरेलल है किसके, वेक्टर एरिया की, इस केस में जो आपका फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स होगा, मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव का सिंपल ये मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है और जो आपका प्लेन है ना इसका डायरेक्शन यहाँ, ये होता है मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के ये तीन कंडीशंस एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट कंडीशंस है थ्योरी के क्वेश्चंस बनाने के लिए। अक्सर यहाँ से आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है और जीरो फ्लक्स कब होता है। ठीक है, ये हमारे पास था। अब अगर एक आता चार्ज हो ना तो फ्लक्स निकालना आसान होता है, अगर क्लस्टर ऑफ चार्जेस हो ना तो फ्लक्स कैलकुलेट करना या इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना होता है मुश्किल। वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा गॉसेस लॉ। देखो अभी आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या आपने पढ़ा था E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू। हम कहते हैं कि यार ये वाले जो फॉर्मूले है ना ये हमारे जर्नल फॉर्मूले, ये कौन से, ये जर्नल फॉर्मूले, और ये कहां से ड्राइव हुए हैं, कूलम्स लॉ से ड्राइव हुए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कूलम्स लॉ इज बेसिकली आर जर्नल लॉ फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कूलम्स लॉ से ज्यादा अच्छा लॉ कोई पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब मसला क्या होता है, जब आपके पास किसी शीट के ऊपर क्लस्टर ऑफ चार्जेस आना शुरू हो जाए, मान लो ऐसे आपके पास एक कोई शीट है बहुत सारे उसके ऊपर चार्जेस ही चार्जेस बिखरे हैं, अब अगर आप इसके ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं कि कूलम्स लॉ इसका आंसर नहीं निकाल सकता, कूलम्स लॉ इसका आंसर निकाल सकता है, बस सिर्फ मसला ये होगा कि आपके पास जो मैथ्स है ना वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी। वहां पे हम यूज करते हैं गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ शॉर्टकट रिलेशन। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू क्लस्टर ऑफ चार्जेस।
ड्यू टू द क्लस्टर ऑफ चार्जेस, एक चार्ज से ज्यादा अगर होंगे तो कूलम लॉ कर सकता है, लेकिन आसानी किसमें है, गॉसेस लॉ में, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या करता है जनाब, अगर आपके पास कभी भी क्लस्टर ऑफ चार्जेस है ना, एक से ज्यादा चार्ज है, तो उसके ऊपर आपको हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देगा। क्या कहता है जनाब, ये कहता है पाई इक्वल्स वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज। ये सिंपल सा लॉ है इसका, यानी कि ये कहता है कि यार आपके पास अगर मिसाल के तौर पे कुछ चार्जेस मौजूद हैं, क्यू वन कुछ चार्ज है, क्यू टू कुछ चार्ज है, क्यू थ्री कुछ चार्ज है, क्यू फोर कुछ चार्ज है, और इसको आपने क्या किया हुआ है, इसको आपने ना ऐसे इनक्लोज किया हुआ है किसी भी एक सरफेस के। अच्छा, एक चीज याद रखना, सरफेस की ज्योमेट्री मैटर नहीं करती, बस सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का सरफेस आपका ये हो सकता है, ठीक हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें जो आपका है ना Q1 वाला, ये फ्लक्स को बाहर भेजेगा, Q2 फ्लक्स को बाहर भेजेगा, Q3 फ्लक्स को बाहर भेजेगा, जबकि Q4 फ्लक्स को अंदर भेजेगा क्योंकि वो नेगेटिव है। अब होगा क्या, ये बात करता है नेट फ्लक्स की। नेट फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, नेट फ्लक्स निकालने का तरीका सिंपल ये होता है, जो आपका आउटगोइंग फ्लक्स है माइनस कर दो जो आपका इनकमिंग फ्लक्स है, यहां से आपको मिलेगा आपका नेट फ्लक्स। तो ये कहता है जो नेट फ्लक्स है ये बेसिकली बराबर है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो आपका गॉस का लॉ है, किसी भी सरफेस को जो नेट फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो टोटल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मीडियम पे, देखो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एक किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, दूसरा डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज पे, सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसका सवाल माजी में इस तरह पूछा गया है कि भाई मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोई स्फेयर है, उस स्फेयर से फ्लक्स इमिट हो रहा है फोर फाइव, आपने सेम वही चार्जेस जो कि पहले आपने स्फेयर में रखे हुए थे, अब आपने वही सेम चार्जेस एक अदद क्यूब के अंदर रख दिए है, अब बताओ फ्लक्स कितना इमिट होगा, तो आंसर है फ्लक्स अब भी कितना होगा, फोर फाइव, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसकी शक्ल या उसकी ज्योमेट्री या उसका रेडियस या उसकी हाइट या डेप्थ ये चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। ये आपके पास था गॉस का लॉ। अब गॉस की लॉ की जो एप्लीकेशंस है, इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक बड़ी सी चार्ज शीट है, ठीक है, और इस चार्ज शीट के ऊपर आपने कुछ चार्ज स्कैटर किया हुआ है। अब क्या करना है, आपने इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। हमारी कोर्स में फाइनाइट चार्ज शीट शामिल नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है सीधा सीधा ड्राइव करके, ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। भाई मैं ये चीज देख लीजिएगा कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, तो जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो मैं किस तरह निकालूंगा, भाई ये पॉजिटिव वाला इसे क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव शीट इसे क्या करेगी, रिपेल करेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट, ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज शीट हो जाएगी, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सिग्मा आपके पास क्या होता है, सिग्मा आपके पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सिग्मा आपके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि आपकी पूरी शीट का जो एरिया है उसके ऊपर चार्ज किस तरह से स्कैटर हुआ हुआ है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पे आपने कितना कूलम चार्ज स्कैटर किया हुआ है। आप अच्छी तरह नोट करोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट का जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको वो नजर नहीं आ रहा होगा, डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि याद रखना दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, ठीक है। वो जो अक्सर बच्चे ना आप कंफ्यूजन कर देते हैं किस तरह से, देखो आपने ऊपर पढ़ा था, ऊपर हमने ये चीज देखी थी कि आप सोर्स के जितना नजदीक जाओगे तो अल्टीमेटली वहां पे आपके पास फोर्स उतना बढ़ेगी, दूर जाओगे फोर्स उतना कम होगी, लेकिन वो पॉइंट चार्ज था, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है, मतलब ये इधर से भी कंटिन्यू है, ऊपर से भी कंटिन्यू है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, और इसमें चार्ज कैसा है, इनफाइनाइट।
जब चार्ज इनफाइनाइट होगा ना तो अल्टीमेटली फिर टेंशन नहीं होती है, फिर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, याद रखना। यानी कि अगर मैं इससे 5 सेंटीमीटर के फासले पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूं वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, 10 सेंटीमीटर के फासले में निकालूं वो भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया जनाब ये वाला। अब इसी तरह से हमारे पास इसकी जो दूसरी E इक्वल सिग्मा अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं था, ये E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो अगली वाली भी एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं करूंगा, अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दो वो है, एक ये है मिसाल के तौर पे मेरे पास, और एक मिसाल के तौर पे मेरे पास ये, ठीक है, दो चार्ज शीट है, और दोनों चार्ज शीट्स के ऊपर ना क्या सीन है, मेरे पास ओपोजिट चार्ज स्कैटर हुआ, ठीक है, ओपोजिट चार्ज अपने इसके, एक के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव है, एक के ऊपर मेरे पास कैसा है पॉजिटिव चार्ज, और मुझे उनके सेंटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब अगर ये मिसाल के तौर पे मेरे पास शीट नंबर 1 है, तो शीट नंबर 1 को देखो और शीट नंबर 2 को देखो। शीट नंबर 1 की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से होगी E1 अवे फ्रॉम द शीट, शीट 2 की ऐसे होगी टुवर्ड्स द शीट। इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ और इस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई एक शीट की क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट की भी क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जमा करेंगे तो क्या बनता है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हमारे पास कितनी आ रही है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही है। सिग्मा आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये हमारे पास था जनाबे वाला, ठीक है, और सिग्मा वही है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस वॉज All about Gauss's law और electrical field intensity. अब हमारे पास इसके बाद जो concept है that is basically the concept of potential, ठीक है। अब potential को देखो और potential को समझो, basically potential हमारे पास क्या scene होता है, देखो समझो जरा। Suppose करो ये मेरे पास एक कोई source charge है और उसके surrounding में ये मेरे पास एक कोई electrical field है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए कि एक पॉइंट मेरे पास ए है, एक पॉइंट मेरे पास बी है, और ये मेरे पास एक कोई टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज अभी मेरे पास फील्ड से बाहर है, फील्ड से बाहर वाला जो भी पॉइंट होता है ना इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे लाता हूं, या फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर बी पॉइंट पे लाता हूं, तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि देखो जो मैंने सोर्स चार्ज बनाया है वो सोर्स चार्ज कैसा है, वो सोर्स चार्ज मेरे पास है पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज भी कैसा है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो जब मेरा टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो सोर्स चार्ज है ये बेसिकली इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो मैं अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहा हूँ। जब अगेंस्ट द फील्ड काम करूंगा तो वो जो वर्क डन है वो डिफाइन करेगा किस पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। जाहिर है ए पे आने पे मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना भाई, ए पे आने पे मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या मतलब, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड टू द पॉइंट ए विल बी मोर एज कंपेयर टू वर्क डन इन मूविंग द सेम टेस्ट चार्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द पॉइंट बी, कम काम करना पड़ेगा। ये चीज मुझे बता रही होगी कि ये बेसिकली मेरे पास पोटेंशियल पॉइंट ए का ज्यादा है और पोटेंशियल पॉइंट बी का कैसा है, कम है। ये होता है हमारे पास पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज है, दिस इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ए पॉइंट का ज्यादा होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास कैसा होगा, कम होगा। पोटेंशियल को आप डिफाइन कैसे करते हो, जरा समझो। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन समझो, इसका आपने रट्टा मारा है क्या, जब कभी भी आप किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर काम करते हो, जब भी आप कभी किसी टेस्ट चार्ज पर क्या करते हो, काम करते हो, इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर, वो कहलाता है पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन ऑन
यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन गिवन फील्ड. ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल. अब इस पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इस पोटेंशियल का हमारे पास यूनिट क्या होता है, इस पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट्स. एक और यूनिट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ना क्या यूनिट बन जाएगा, जूल पर. इसी तरह से जरा समझना, ये हमारा फॉर्मूला है ना, वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू. अगर मैं इस क्यू को यहां ले जाऊंगा, अल्टीमेटली डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी हो जाएगा. डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी. ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन यानी कि इस चार्ज पे इसको फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना काम करना पड़ा, ये वर्क डन बेसिकली उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जो चार्ज ने गेन करी हो. गेटिंग माय पॉइंट? ये बेसिकली देखो दो चीजें हैं, एक पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है. पोटेंशियल क्या चीज है, पोटेंशियल इज जो आपने काम करा डिवाइडेड बाय द चार्ज जिस पे आपने काम किया है. ठीक है, पोटेंशियल क्या है, जो आपने काम किया किसी बॉडी को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने के लिए डिवाइडेड बाय द चार्ज जितना आपने काम किया, जिस पे आपने काम किया उससे डिवाइड कर दिया. मान लो आप 10 कूलम के चार्ज को लेकर आए, तो जितना आपने काम किया उसको डिवाइड कर दोगे आप 10. सिमिलरली आप 20 कूलम के चार्ज को लेकर आए, जितना आपने काम किया उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 20 से. और जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो बेसिकली डब्ल्यू के बराबर होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इसकी एसआई यूनिट आपके पास वही होती है, जूल्स. लेकिन हम जो कॉमन यूनिट यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं ना, वो कॉमन यूनिट हम यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर. कौन सी यूज करेंगे जनाब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द मोर कॉमन यूनिट जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में यूज करते हैं. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × −19 जूल्स. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझाते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे देते हैं वो भी समझ लेना. देखो एक मान लो मेरे पास हाई पोटेंशियल है, एक मान लो लो पोटेंशियल है. ठीक है, मैं क्या करता हूं, और मान लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का. अभी हमने देखा था कि आप जब कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हो, यानी कि आप जब कभी भी अगेंस्ट द फील्ड जाते हो, देखो फील्ड हमेशा चाहेगी कि आप हाई से लो की तरफ जाओ. जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड जाओगे ना, तो आपको काम करना पड़ेगा, और वो जो आप काम करोगे ना बॉडी में, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. जैसे जब आप ऊपर जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है. अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाता हूं, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी ना, वो कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या डेफिनेशन बना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या डेफिनेशन बना, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग बिटवीन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. अगर कभी भी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में आपने इलेक्ट्रॉन को मूव किया फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो बेसिकली जो उसने एनर्जी गेन करी होगी वो क्या कहला रही होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप कह सकते हो 1.6 × −19 जूल्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जो है ना, वो याद रखिएगा, क्यू इंटू वी या क्यू इंटू डेल्टा वी. ये हमारे पास अक्सर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, ये था. अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का. अब यहीं पे हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर. कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है भाई, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज. देखो हमारे पास में टोटल 3 चीजें होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की दुनिया में. एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है, एक रेजिस्टर होता है. याद रखना कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं. कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है. कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड. किस फॉर्म में स्टोर करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर करता है. इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रेजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, रेजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम, ये सब लिख लेना. जो ये एनर्जी स्टोर करते हैं ना कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है ½CV². C से मुराद कैपेसिटेंस, V से मुराद वोल्टेज, ½CV². ठीक हो गया.
ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गया, अब इलेक्ट्रिकल में शो करता है। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय क्यू इक्वल सी इंटू वी। क्यू से मुराद चार्ज अक्यूमुलेटेड या चार्ज स्टोर्ड, सी से मुराद होती है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस होती है कि क्या सलाहियत है किसी भी कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। इसकी SI यूनिट हमारे पास क्या होती है, फैरेड होती है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी के अंदर हमारे पास, अब जरा देखते चलो, इसी के अंदर हमारे पास, या इसको हम यूं भी कहते हैं कूलम पर वोल्ट्स भी कहते हैं, इसी को हम कूलम पर वोल्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना कुछ इस तरह से होती है, दो प्लेट्स आमने सामने पैरेलल में लगी हुई होती है और अल्टीमेटली इनको आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो होता क्या है एक प्लेट से चार्ज निकल के दूसरी प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। इनके दरमियान में अगर एयर एज ए मीडियम मौजूद होता है, यानी कि एयर अगर दरमियान में मीडियम होगा, तो कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ए से मुराद होती है एरिया ऑफ द प्लेट। देखो ये तो आप इसका साइड व्यू देख रहे हो ना, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो ये आपको प्लेट ऐसी नजर आएगी, इसमें कुछ इसकी लेंथ होगी, यानी कि ये मान लीजिए ये इसकी कुछ लेंथ है और यकीनन इसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होगी, ये मान लीजिए ये कुछ इसकी क्या है ब्रेथ है। जब आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको एरिया मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से क्या मुराद है भाई, दरमियान में अगर आपके पास एयर एज ए मीडियम है तो जाहिर है एप्सिलॉन नॉट आएगा। डी से मुराद होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, की प्लेट्स के दरमियान में क्या फासला है। इसी तरह अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा दरमियान में, तो ये बन जाएगा जनाब ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। डाइलेक्ट्रिक मतलब आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो स्लेब थी वो दरमियान में इंसर्ट कर दी। अब अगर आप देखोगे तो आपको ये इससे मिलता जुलता नजर आ रहा होगा, यानी कि सी डी विल बी इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। क्या मतलब, एप्सिलॉन आर का वैल्यू चूंकि वन से ग्रेटर है, हमें यहाँ पे नजर आ रही है कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होगी, यानी कि कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि कुछ चार्ज स्टोर कर रहा था, मान लो 5 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा था, अगर आपने उसी बैटरी को कनेक्ट किए रखा और आपने एयर की जगह पे वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और कुछ चेंज नहीं किया, ना प्लेट का डिस्टेंस ना एरिया कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो अब वो 5 से ज्यादा का चार्ज स्टोर कर रहा होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये चीज होता है, हो गया कैपेसिटेंस। अब इसी के अंदर हमारे पास कैपेसिटर्स को सर्किट में कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो कैपेसिटर्स को सर्किट के अंदर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे या आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है, या तो सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में। इसी तरह से मैंने ऊपर बताया ना कि दरमियान में प्लेट की या तो एयर हो सकती है या डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कभी कभार एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों भी होते हैं, अगर दोनों होंगे तो वो कंपाउंड कैपेसिटर होता है, उसको अभी सॉल्व कराता हूं। ठीक है, पहले जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/C eq = 1/C1, 1/C2, up till 1/CN। इसको हम पढ़ते इस तरह से कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। आई रिपीट, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। पैरेलल में आप सीधा सीधा क्या करते हो, इनको जमा कर देते हैं, सीधा सीधा जमा करते। ठीक है, अब एक सवाल से जरा एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, एक बार मुझे इसे सीरीज में ऐड करना है, एक बार पैरेलल में। जब सीरीज में ऐड करना है तो सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, 1/C eq = 1/C1 + 1/C2। जब मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा C2 + C1 / C1 × C2। अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करता हूं तो C eq = C1 × C2 / C1 + C2। ये एक सो कॉल्ड शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए। अगर कभी भी 2 कैपेसिटर इन सीरीज है और आपने फॉरन से आंसर निकालना है तो दिस इज द इक्वेशन C1 × C2 / C1 + C2। आंसर आएगा 2 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से अगर आप इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करके सॉल्व करोगे, पैरेलल में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना होता है, जनाब जमा करना होता है, तो 3 + 6 क्या आंसर आ रहा है, 9 माइक्रोफेरेड। अब और से देखो, सीरीज के अंदर जो आपका आंसर आ रहा है वो ये जो दोनों कैपेसिटर आपको गिवन थे, इनमें जो छोटा वाला कैपेसिटर है उससे भी छोटा आंसर आ रहा है,
और सिक्स में छोटा थ्री है, थ्री से भी छोटा टू आंसर आ रहा है, क्लियर है, यानी कि छोटे से भी छोटा आंसर आ रहा है, यानी कि सीरीज के अंदर अगर आप कैपेसिटेंस को ऐड करते हो ना, तो कैपेसिटेंस मिनिमम होती है, यानी कि मिनिमा जनरेट होता है। अगर आपको बोला जाए ना आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, आपने उससे मिनिमम कैपेसिटेंस ऑप्टेन करनी है, व्हाट इज द तरीकाकार, आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब जरा इसमें देखो, थ्री और सिक्स में सबसे बड़ा कैपेसिटर सिक्स का है, आंसर आपका सिक्स से भी बड़ा आ रहा है, पैरेलल के अंदर नाइन आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास है, ये जवाब, जवाब क्या करते हो, जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, तो बड़े से भी बड़ा आंसर जनरेट हो रहा होता है, क्लियर हो गया, याद रखना। अब आपके पास अगर मिसाल के तौर पे एक कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर दरमियान में आपके पास जो है ना वो एयर भी मौजूद है और दरमियान में आपके पास डाइलेक्ट्रिक भी मौजूद है, ठीक है, जरा समझना। इतने हिस्से में एयर है, इतने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, ये जो पूरा आपके पास था, ये जो पूरा था, ये मिसाल के तौर पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या था, डी था, और आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो मिसाल के तौर पे कितनी है, टी है, तो ये बचा हुआ क्या बन जाएगा, दिस बचा हुआ विल बी इक्वल टू डी माइनस टी हो जाएगा। अब ये दोनों आपके पास कैसे, ये कंपाउंड कैपेसिटर होता है, ये कहलाता है आपके पास कंपाउंड कैपेसिटर। कंपाउंड कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसमें एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मुझे इसको सीरीज में सॉल्व करना है, क्योंकि जाहिर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैपेसिटर इज बेसिकली दिस, मैंने इसको अलग कर दिया, ये एयर वाला हो गया, ये डायलैक्ट्रिक वाला हो गया, ठीक हो गया। अगर इसकी मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो अभी फॉर्मूला पड़ा है सीरीज के लिए, सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। अब सी वन वो वाला हो गया जिसमें एयर है, सी टू वाला हो गया जिसमें डायलैक्ट्रिक है, और सी ए प्लस सी डी हो जाएगा, ठीक है। सी ए फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी उस वक्त होता जब पूरे में एयर होती, अभी क्या लिखूंगा, डी माइनस टी, क्योंकि एयर सिर्फ डी माइनस टी में। यहाँ क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय कितने हिस्से में, टी आ गया यहाँ अपॉन में, यही चीज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी। देखो ऊपर से मुझे, नीचे से मुझे कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी अपॉन में, अगर मैं ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में करता हूं, तो ये बन जाएगा टी प्लस एप्सिलॉन आर इंटू डी माइनस टी, ये बन जाएगा अपॉन में आ जाएगा डी माइनस टी इंटू टी, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, एक ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट गया, डी माइनस टी, टी से डी माइनस टी, और टी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचता है ऊपर, ये बनता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी प्लस एप्सिलॉन आर इंटू डी माइनस टी। एक फॉर्मूला ये वाला है, लेकिन हमारी किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं दूसरा भी बता देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, अगर मैं नीचे से डिनोमिनेटर में से एप्सिलॉन आर कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बन जाएगा हमारे पास। मैंने क्या करा, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कॉमन कैंसिल कर दिया, फॉर्मूला क्या बनता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस का टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी ऐसा कोई कैपेसिटर हो जिसके अंदर आपके पास एयर भी मौजूद हो, डाइलेक्ट्रिक भी मौजूद हो, तो आप उसका डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो, टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अभी एक छोटी सी चीज और बात, इसमें हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा आगे देखो, हमारे पास जो है ना वो एक चीज जो बाकी थी वो क्या चीज है हमारे पास, देखो अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कोई सोर्स चार्ज है, ये कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डिफाइन करूं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर मेरा जो टेस्ट चार्ज है, मैं इस टेस्ट चार्ज को इस किसी डायरेक्शन में मूव कराता हूँ या लेके जाता हूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, बेसिकली देखो
अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वैसे ही ना, पोटेंशियल तो तभी गेन होगा ना जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड मूवमेंट हो रही होगी, और अभी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ही मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो बेसिकली अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव कराया जा रहा है, ठीक है। तो बी विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट आर, यही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है अपॉन टेस्ट चार्ज आगे। अब अगर आप इसको नोट करोगे, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज था, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि वी विल बी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा वी विल बी इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा। अब आर उल्टे हाथ की तरफ है, ई सीधे हाथ की तरफ है, तो दरमियान का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कॉस 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है? माइनस वन होता है, यानी कि ई विल बी इक्वल टू माइनस का वी अपॉन डेल्टा आर। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E बराबर है माइनस का डेल्टा V अपॉन R के। अब इसमें ये बता क्या रहा है, देखो, E इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या मतलब समझना जरा, देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है और ये पूरी चीज क्या बता रही है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक यहां पे कोई सोर्स चार्ज, और ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म हो जाती है और इसके बाहर मेरा पॉइंट ऑफ इंफिनिटी स्टार्ट हो जाता है, यहां पे मेरे पास 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है यहां पे कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट होगा। अब जैसे जैसे मैं अपने सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपने सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं, मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, और जो पोटेंशियल है वो भी बेसिकली क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये फॉर्मूला बता रहा होता है। नेगेटिव साइन जो है ना वो सिर्फ शो करता है डिक्रीमेंट को या डिक्रीजिंग नेचर को। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो करता है? डिक्रीमेंट को या डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है। एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विल कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर कम फोर्स लग रही है, ये आपके पास होता है। तो अगर आपसे बोला जाए ना फॉर्मूला क्या बताता है, तो ये फॉर्मूला ये बता रहा है, जब आप पर यूनिट डिस्टेंस, जब आप यूनिट डिस्टेंस यानी कि एक कदम, जब आप एक कदम सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, जब आप एक कदम सोर्स चार्ज से अवे जाओगे, जब आप एक कदम सोर्स चार्ज से अवे जाओगे, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जितनी कम होगी ना, वो बेसिकली आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रिक अपना ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन कमी को शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता है। इसके जितने एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है, जितने पास्ट वर्क के प्रॉब्लम है, वो सब के सब आपने लाजमी करना।